अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, सबसे पहले हम फोटोशॉप का ये वर्जन खोल लें जिसका नाम है CS6। तो जैसे ही हमारे पे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने लोड हो जाएगा। तो जब ये हमारे सामने लोड हो जाएगा तो हमें कुछ इस तरह से थोड़े से दौर के बाद ये हमारे सामने लोड हो जाएगा। ये इसका इंटरफेस ये पुराने वर्जन जैसा है, मतलब 7.0, 8.0, 9.0 से मिलता जुलता इसका इंटरफेस है। ये देखें इसका टूल बॉक्स है, ये इसके कहलाते हैं पैलेट्स। इस पे ये कलर पैलेट है, ये स्वेचेस पैलेट है, ये एडजस्टेबल पैलेट है, स्टाइल का पैलेट है, लेयर्स का पैलेट है, चैनल्स का पैलेट है, पाथ का पैलेट है, ये इसका टाइमलाइन है इसके ऊपर, ये इसका ऑप्शन बार है, ये इसके मेन्यूज हैं। ठीक है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इमेज मेन्यू, वीडियो मेन्यू, ये सारे इसके मेन्यू। ठीक है, अब ये इसका कहलाता है वर्क स्पेस। ये फोटोशॉप का क्या है, वर्क स्पेस। अब इसको दोबारा से कैसे सेट करेंगे, तो हम जाएंगे यहाँ से विंडोज विंडोज के मेन्यू में और यहाँ से जाके वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आगे आ जाएंगे और यहाँ से कहेंगे रीसेट एसेंशियल्स। जैसे ही रीसेट एसेंशियल पे क्लिक करेंगे ये रीसेट हो जाएगा। यहाँ से हम कॉलम्स को दो हिस्सों में देख सकते हैं। यहाँ से विंडोज पे क्लिक करेंगे, दोबारा वर्क स्पेस में जाएंगे, फिर इसमें पेंटिंग, इसका इंटरफेस पेंटिंग टाइप का रखना है तो ये वाला आ जाएगा। ये बने बनाए वर्क स्पेसेस दिए हुए हैं, तो जो जिस तरह कैटेगरी का काम कर रहा है उस तरह का वर्क स्पेस ले ले, ताकि आपका फोटोशॉप का इंटरफेस उस हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाए। फोटोग्राफी मोड पे काम करना है तो फोटोग्राफी के लिए जो मोस्ट यूजेबल टूल्स होते हैं, टाइपोग्राफी पे काम करना है तो टाइपोग्राफी के जो मोस्ट यूजेबल टूल्स होते हैं, या फिर आपने रीसेट कर लेना है तो अगर चेंजेस किए तो दोबारा सेट हो जाएंगे, या फिर आपने एसेंशियल्स पर काम करना है तो एसेंशियल डिफॉल्ट पे क्लिक कर दें तो ये उसका इस तरह का व्यू आ जाएगा। ठीक है, ये इसके इंटरफेस को ऐसे एडजस्ट करना है। सबसे पहले फोटोशॉप में हम फाइल किस तरह से ओपन करते हैं, सेव करते हैं, तो फाइल में जाइए, यहाँ से न्यू कर दें। न्यू करने के बाद आप यहाँ से पूछेगा कि फाइल की जो डायमेंशन क्या होनी चाहिए, यानी कि क्योंकि इस पर आप फोटो पे काम कर रहे हैं तो इसमें आपको डायमेंशन बतानी पड़ेंगी। डायमेंशन बताने के लिए यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड डायमेंशन हैं, जैसे कि अगर आप फोटोज को किसी साइज में बनाना चाह रहे हैं डिफॉल्ट साइज में, तो यहाँ क्लिक कर रहे हैं, फिर आपका डिफॉल्ट साइज फोटो यहाँ पे आ गया। फिर इसके अंदर मेजरमेंट यूनिट्स हैं, काफी सारे मेजरमेंट यूनिट्स हैं। अगर आप स्क्रीन बेस्ड ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो पिक्सल में मेजर करें, पब्लिश करेंगे तो इंचेस में मेजर करें, अगर आप उसको सेंटीमीटर में मेजर करना चाहते हैं, मिलीमीटर्स में मेजर करना चाहते हैं, पॉइंट्स में, पीकास में, कॉलम्स में मेजर करना चाहते हैं, तो ये डिफरेंट आपको मेजरमेंट यूनिट इसमें दिए गए हैं। अभी हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट है, पिक्सल और इंचेस। इसको ऐसे समझ लें, जब भी स्क्रीन बेस्ड ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब हमारा जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो स्क्रीन पे दिखाई देगा, मतलब LCD पे, LED पे, स्मार्टफोन पर, वेबसाइट पर, कहीं भी, तो हम उसको पिक्सल्स में मेजर करेंगे। और अगर उसका प्रिंट आउट वगैरह लेना है, प्रिंट होगा पेपर पे, पैनाफ्लेक्स पे, शर्ट पे, टी शर्ट पे, कहीं पे, तो उसको इंचेस में हम उसको मेजर करेंगे। ठीक है ना, ये सारी चीजें इस पे काउंटर होती है। तो ये पिक्सल पे ले लेते हैं, तो बता रहा है कि हमारी जो विड्थ है, जो अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, पावर 54 पिक्सल होगी, हाइट जो है 340 पिक्सल होगी, जबकि रेजोल्यूशन 28.3846 होगी पर सेंटीमीटर पिक्सल के ऊपर। ठीक है, अच्छा अभी तो उसको ऐसे ही रहने दें। बैकग्राउंड में क्या कंटेंट होगा, व्हाइट कलर होगा, या बैकग्राउंड में कोई कलर डालना है तो बैकग्राउंड कलर ले लें। तो बैकग्राउंड पे यहाँ पे जो भी कलर होगा वो इसके अंदर फिल होगा। ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो कोई कलर नहीं होगा, ये नया कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ट्रांसपेरेंट मीन्स नो कलर, कोई कलर नहीं होगा। क्लिक करते हैं हम यहाँ से व्हाइट पे रख लेते हैं, और उसको रख के आप मजीद साइज देखना चाहें तो US पेपर पे क्लिक कर दें। यहाँ से लेटर पेपर है, यहाँ से लीगल पेपर है, यहाँ से टेबलॉइड पेपर है, कौन सा पेपर लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल पेपर पे क्लिक कर दें, A4, A6, A5, A3, B5, B4, B3, ये मुख्तलिफ पेपर्स हैं जो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उनकी मेजरमेंट यूनिट यहाँ से आ रहे हैं, लाजमी बात है पेपर्स पे आप प्रिंट आउट करेंगे तो मेजरमेंट यूनिट आप उसका इंचज में रखेंगे। तो बता रहा है कि 8.26 इसकी विड्थ होगी, 11.639 इसकी हाइट होगी, तो आप उसको इंचज में भी कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे तो सेंटीमीटर, अगर आपको सही समझ में आता है सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। इस तरह फोटोज के साइजेस हैं डिफरेंट। तो अभी मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, स्क्रीन बेस्ड ऑब्जेक्ट होगा, तो वेब पे क्लिक करते हैं। वेब के डिफरेंट साइजेस दिए हुए हैं इसके ऊपर, 800x600, 1024x768, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है। तो जो भी साइज ले रहे हैं यहाँ से क्लिक करें, पिक्सल्स पे हमने मेजरमेंट यूनिट सेट किए हैं, और पर इंच के अंदर इसमें 72 पिक्सल होंगे। मतलब पिक्सल क्या होता है, एक पॉइंट जिससे मिलकर इमेजेस बनते हैं। अब कितने पॉइंट आपको चाहिए, तो कह रहा है कि एक इंच के अंदर 72 होंगे, तो टोटल पूरी विड्थ में कितने होंगे, एक रो में 1024 इसके होंगे पिक्सल। तो 1024 को अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो हम कहते हैं नहीं, हमें रेजोल्यूशन में 100 पिक्सल चाहिए, तो 100 पिक्सल का एक इंच है, तो एक इंच के अंदर कितने पिक्सल हैं, 100। तो 100 100 करके अगर 10 करेंगे तो इसका मतलब 10 इंच इसकी विड्थ होगी। कितनी विड्थ होगी, 10 इंच, और हाइट होगी तकरीबन 7.5 इंच। इस तरह का ऑब्जेक्ट ये फॉर्म होगा। क्लिक कर देते हैं इसको, ओके कर देते हैं।
तो ये व्हाइट बैकग्राउंड के साथ एक फाइल आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। अब नोट कर लें, रूलर एक्टिवेट है आपके सामने, तो देख लें तकरीबन 10 इंच का इसकी विड्थ है और तकरीबन यहाँ से देखेंगे हाइट इसकी 7.5 इंच ही आ रही है। और अगर आप इसको रूलर को ऑफ करना चाहें तो कीबोर्ड से शॉर्ट की है कंट्रोल आर, तो यहाँ से कंट्रोल आर दबाएंगे तो यहाँ से ये ऑफ हो जाएगा, कंट्रोल आर दबाएंगे ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, फाइल में जाना है और सेव करना है। सेव करने से पहले इस पर कुछ करना लाजमी है वरना ये सेव का ऑप्शन नहीं देगा। तो इस पर जो मेन कॉन्सेप्ट है जो हमें आप समझना है वो है लेयर बेस्ड कॉन्सेप्ट। लेयर कॉन्सेप्ट क्या है, फोटोशॉप और एमएस पेंट में ये फर्क है कि एमएस पेंट में आप देखेंगे कि एक ही किस्म का स्क्रीन होता था और इस पर जो भी चीज़ ड्रॉ करते थे वो एक ही स्क्रीन पर क्रिएट हो जाती थी। उसके बाद ये बड़ा मुश्किल हो जाता था कि अगर आपको कोई ये टास्क दे दे कि इसमें हमने कलर ये भर दिया, इसमें हमने कलर ये भर दिया, इसमें हमने कलर ये भर दिया, इसमें हमने ये कलर भर दिया, तो अब आप एक काम करें कि भाई ऐसा करें कि इस स्टार को इससे अलग कर दें, ये हो नहीं सकता था। फोटोशॉप में क्या होता है कि आपको हर ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग लेयर मिलता है। अब लेयर कैसे मिलता है, बाय डिफॉल्ट तो आपको एक ही लेयर मिलता है लेयर्स के पैनल के अंदर, सॉरी लेयर पैलेट्स के अंदर। आप यहाँ पे मजीद लेयर ऐड करा सकते हैं यहाँ से, लेकिन उसके लिए पहले यहाँ क्लिक करना होगा न्यू लेयर, न्यू लेयर, न्यू लेयर, तो हर चीज़ को आप अलग अलग लेयर पे क्रिएट कर लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको मूव करने में, मैनेज करने में, डिलीट करने में, एडिट करने में बहुत आसानी रहेगी। और जब लेयर को डिलीट करना हो तो उस लेयर पे क्लिक करें और यहाँ से डिलीट का बटन दबाएं और यस कर दें तो वो लेयर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमने 3 लेयर ऐड करा लिए। अब लेयर्स पे कलर कैसे भरेंगे, फाइल में जाके इसको हम पहले सेव कर लेते हैं। सेव करने से के लिए हमसे पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो हमने डॉक्यूमेंट्स में बताया, डॉक्यूमेंट्स में जाके पीएस फाइल के अंदर चले गए और यहाँ से हमने एक फोल्डर बना दिया ब्लॉसम के नाम से। ठीक है, उसको खोल लिया यहाँ से और फोल्डर के अंदर जाके हमने लिख दिया क्लास 02 और यहाँ पर हमने लिख दिया हाउ टू क्रिएट एंड सेव फाइल। ठीक है, ये सेव कर दिया, ओके सेव हो गया, ये हमारी फाइल इसके अंदर सेव हो गई। इस फाइल की टाइप क्या है, PSD, फोटोशॉप की जो भी फाइल सेव होगी उसकी टाइप होगी PSD, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ठीक है, और यहाँ से फाइल को क्लोज करना है, फाइल में जाके क्लोज करेंगे। फोटोशॉप की फाइल को ओपन करना है तो उसका भी तरीका ये है कि पहले फाइल में जाएंगे और उसको ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा आपकी फाइल कहाँ है बताइए। तो हमारी फाइल जहाँ भी सेव है वहाँ पे आप जाएंगे उस फोल्डर के अंदर और उस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे और वो इसके अंदर तमाम लेयर्स के साथ ओपन हो जाएगी।